हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, गुसाई फैमिली एंड ब्लॉग। आज का वीडियो बनाने का तो मन था नहीं, लेकिन बनानी पड़ी। सोचा आप लोगों से बात करें, क्योंकि जो अभी हो रहा है आपको भी पता है, जोशी मठ में क्या चल रहा है और क्या बोलते हैं, जो न्यूज़ वगैरह है उसमें आप देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है जोशी मठ में। अब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये तो अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन जैसा हमने सुना है न्यूज़ में कि वहाँ पे कोई टनल का काम चल रहा था, वहाँ कोई मशीन फंस गई थी, तो उस वजह से जो वहाँ पे पानी का रिसाव हुआ है, तो वो पहाड़ों में नीचे नीचे खिसक रहा है और जहाँ पे जोशीमठ बसा हुआ है उसके नीचे पानी आ रहा है, जिसकी वजह से जोशीमठ जो है दरक रहा है। तो वहाँ पर कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं, आपको सब पता ही होगा। वैसे तो कहने का मतलब यही था कि ठीक है, अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो रहा है, सरकार को डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन ऐसे डेवलपमेंट भी नहीं करना चाहिए जिससे कि लोग बेघर हो जाएं। कुछ इस तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए थी कि उनके घर भी बच जाएं और डेवलपमेंट भी हो जाए। बट मुझे लगता है कि काम जल्दीबाजी में हुआ, जो भी हुआ। और ठीक है, अगर घर दरक भी रहे हैं, अगर कुछ हो भी रहा, तो उनको उस हिसाब से उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार को, उनको कहीं दूसरी ज़मीन देनी चाहिए थी, बसाना चाहिए था। मतलब जो भी उनके मकान की वैल्यू निकल रही है उस हिसाब का उनको कहीं ना कहीं बसाना चाहिए था गवर्नमेंट को। बट अभी तक कुछ ऐसा कमिटमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम न्यूज़ में देख रहे हैं रोज़ डेली कि वहाँ पे लोग धरना भी दे रहे हैं और मतलब न्याय मांग रहे हैं अपने लिए, और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खास ऐलान ऐसा हुआ नहीं है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, डेवलपमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट भी नहीं करना चाहिए जिससे लोग अपने घर से बेघर हो जाएं। आप खुद सोच सकते हो कि एक मकान बनाने में आदमी की ज़िंदगी खर्च हो जाती है। एक मकान बनाना और बच्चे की शादी करना, ये दो सपने होते हैं इंसान के, और मकान बनाने के लिए जूते घिस जाते हैं इंसान के, और पता नहीं कितनी मेहनत से मकान बनाए हैं लोगों ने। और एक न्यूज़ में तो हम देख रहे थे ना, एक यूट्यूब में हम देख रहे थे कि वो लड़की बेचारी कैसे रो रही थी, वो बोल रही थी कि हम मजदूर नहीं लगाते थे मकान बनाने के लिए, हम खुद जाके लाते थे, हम सामान जो भी सामान, हाँ, मकान पे जो भी सामान लगता था हम खुद जाके लेके आते थे वहाँ से। हाँ, तो खुद लाते थे दिन भर में, वो अपना काम वगैरह करते थे ताकि उनके पैसे बच जाएं, और इसलिए वो मजदूर नहीं लगाते। और रात में वो इतनी दूर दूर से अपने कंधों में बोझा लेके आते थे, और आज देखो वो सब तहस नहस हो रहा है। इतनी ठंड में वहाँ पे तो बर्फ भी गिरती है, और इतनी ठंड में रात को बाहर रहना पड़ रहा है उनको, तो थोड़ा सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए क्या करना चाहिए। तो आप खुद ही अंदाज़ लगा के देखो कि ये सोच के देखो कि आप उनकी जगह में आप अपने आप को रख के देखो, और सोचो कि आपका घर जो टूट रहा है, जहाँ पे आप रह रहे हो, जो सीमेंट बस सोचो कि जिस घर में आप हो वो टूट रहा है और गवर्नमेंट उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रही है, और आपको सिर्फ एक शिविर कैंप में बसा दिया गया है कि आप यहाँ पर रहो जब तक कुछ नहीं होता। तो सोचो, आपका बहुत चीज़ें हैं उसमें, बच्चे को खाना खिलाना है, खाना है, और भी कई चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट है। और ये सोचने वाली ये बात भी है कि जिन लोगों का लालन पालन वहाँ पे, जो अपनी आजीविका, जो अपना जो खर्चा चलाते थे वो जानवरों से चलाते थे, जैसे गाय होगी उसका दूध बेचते थे, तो वो तो बिल्कुल ही बेरोज़गार हो गए। अगर उनको ज़मीन दे भी दी सरकार ने, तो रोज़गार कहाँ से लाएंगे। लोग हैं वहाँ पे, जानवर है, कितने सारे जानवर होंगे, हर एक के घर में जानवर होंगे, वो कहाँ जाएंगे फिर। तो वही सोचने वाली बात यही है। और कई ऐसे हैं जिनका अपना खुद की दुकानें हैं वहाँ पे, नीचे घर है और ऊपर दुकान है, घर के साथ अटैच है, उनका भी खर्चा उस दुकान से चल रहा था, तो वो भी बेरोज़गार हो गए। तो ये सब सोच के थोड़ा सा लगता है मन को कि नहीं होना चाहिए, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। सरकार ने अगर चलो मुआवजा दे भी दिया, तो अपना एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे, सोचने वाली बात है। तो एक हम सोच रहे हैं, जो हैशटैग सेव जोशीमठ जो मुहिम चलाई है, तो उसमें हम भी अपनी भागीदारी करें। तो हैशटैग सेव जोशीमठ में आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और ये चाहते हैं हम कि उनके साथ न्याय हो, कोई भी अन्याय ना हो, क्योंकि आज जो उनके साथ हो रहा है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि जैसे जोशीमठ में हो रहा, धीरे धीरे और भी आगे बढ़ रहा है वो। हाँ, वो टीरी में भी बता रहे थे, और कर्ण प्रयाग में, तो धीरे धीरे हो सकता है वहाँ पे भी हो। तो ठीक है, फिर मैं तो यही चाह रहा था कि आपसे शेयर करूँ, मैं बहुत दिनों से चाह रहा था
कि आपसे शेयर करूँ, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था मेरे को बिल्कुल भी। और आज बड़ी मुश्किल से हमने टाइम निकाला, अभी इस टाइम पे 10:30 हो रहे हैं रात के, तो वीडियो बना रहे हम लोग। और बिल्कुल मेरा सपोर्ट उनके साथ रहेगा हमेशा, मैं उनके साथ ही हूँ। जोशीमठ में जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तुम क्या कहना चाहोगे इस बारे में? क्या ही बोले हम, बस सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए ना कि लोग कैसे रह रहे हैं वहाँ पे रात को। ऐसे हमें अंदर ठंड लग रही है तो उनको बाहर कितनी ठंड लग रही होगी जब वो बाहर बैठे होंगे अपने घर के बाहर। लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे रह रहे होंगे वो टेंट में। दिन रात यही चिंता रहती होगी उनको कि पता नहीं कब गिर जाए ये मकान। तो इस वजह से लोग अपने घरों को देखने आ रहे हैं, जो लड़कियां उस घर से जिनकी शादी हुई है अपने दूसरी जगह गई हैं, वो अपने घरों को देखने आ रही है कि हमारा मायका ऐसा है वैसा था, और अब जब जाके हमारा मायका टूट रहा है तो कितना उनका रोना आ रहा है। उनका बचपन वहीं पे बीता है, सब कुछ वहीं पे पले बड़े हैं, वो शिक्षा उन्होंने वहीं पे ली है, तो अटैचमेंट होती है, यादें होती है अपने घरों से। सब हम भी गाँव में रहे तो मतलब लगता है ना कि कैसे जिंदगी काटी है गाँव वालों ने, गाँव जो गाँव में रहते हैं। तो वैसे भी पहाड़ों का जीवन बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। और अब वहाँ पे लोगों ने मेहनत कर करके अपने घर बनाए हैं, एक मिनट नहीं लगा घर टूटने में। और सरकार ने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, कोई पहले से कुछ बताया नहीं, बस बिना नोटिस के उनके मकान तोड़ने चले गए। तो इसलिए लोग थोड़ा नाराज़ भी हैं, और हम भी उनके सपोर्ट में ही है कि गवर्नमेंट को पहले उनको कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेट करना चाहिए था, कहीं पे उनको बसा देना चाहिए था, प्रॉपर घर बना के देने चाहिए थे, उसके बाद ये तोड़ने का कार्यक्रम करना चाहिए था। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही है, ज़्यादा कुछ बोलने का मन तो कर नहीं रहा है, बहुत गुस्सा भी आ रहा है और बुरा भी लग रहा है। और सिंपैथी है मेरी उन लोगों के साथ जो वहाँ पे जोशीमठ में भी चैलेंज फेस कर रहे हैं। आई होप कि जल्दी जल्दी कुछ अच्छा हो उनके लिए, गवर्नमेंट कुछ रिजोल्यूशन निकाले। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।